हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। हमारे शुगर किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए ऐसी रोटी बनाऊंगी जो उनके लिए खाने में तो स्वादिष्ट होगी, फायदेमंद भी होगी और साथ ही शुगर लेवल मेंटेन करने में भी मदद करेगी यह रोटी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं तो इससे हमारा शुगर लेवल बढ़ा रहता है। आज मैं ऐसे आटे की रोटी बनाऊंगी जिससे आप अपना शुगर लेवल मेंटेन कर सकते हैं। रोटी बनाने से पहले तमाम शुगर व बीपी वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ कि नियमित दोनों समय सैर जरूर करें, 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुगर में खान पान विशेष महत्व रखता है, इसीलिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। आइए बनाते हैं रोटी। सबसे पहले ये देखिए, आइए बनाते ऐसी रोटी जो आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद करेगी। यह देखिए ज्वार का आटा, आज मैं ज्वार के आटे की रोटी बनाऊंगी। यह देखिए ज्वार के आटे में मौजूद होते हैं जो शरीर में स्टार्च को कम करने में मदद करते हैं। यह शरीर में इंसुलिन और ग्लूकोज को बनाए रखने में मदद करता है। और यह शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। आइए बनाते हैं रोटी। यह देखिए ज्वार का आटा, ज्वार का आटा लेना है। यह देखिए अब हम इसको गूंद लेंगे। हमने गूंद के रखा, इसमें हमने सूखी मेथी यानी के कसूरी मेथी, देखिए कसूरी मेथी डाल कर रखिए, हल्का सा नमक डाला। अब बनाते हैं रोटी, ऐसे हम करते हैं। अब ये देखिए आटे की लोई बना लेंगे ऐसे। अब रोटी को बेल लेंगे, अब रोटी को ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए ये देखिए हमारी रोटी अच्छे से बिल चुकी है। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे ऐसे, इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए जब तक हमारी रोटी सिकती है तब तक दूसरी रोटी बेल लेते हैं। अब इसको पलट देंगे, ऐसे जितनी भी रोटी बनानी है उतनी ही बेल लेनी है। अब दूसरी रोटी डाल देते हैं, इसको गैस पर डाल देंगे, सेक लेंगे, अच्छे से सेक लेना। ये देखिए हमारी रोटी अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए हमारी दूसरी रोटी भी फूल चुकी है, ऐसी ही सारी रोटियां बना लेनी है। यह देखिए हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए ज्वार के आटे की रोटी बिल्कुल तैयार है जो उनकी शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद करेगी। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे, नई नई जानकारी पाते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दोस्तों।